हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल समुद्री फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई फिश करी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं फिश करी बनाने की विधि। इसके लिए मैंने रो फिश 1 किलो लिया है। अभी मैं उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आपको रो फिश पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पर और कोई भी फिश ले सकते हैं। अभी मैं उसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। फिर हम हल्दी और नमक को अच्छे से सारे फिश के पीसेस में अच्छे से मिलाएंगे। फिश का हेड बहुत बड़ा था इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। अभी फिश के हेड को भी उसमें डाल के अच्छे से सारे फिश के पीसेस और हेड में अच्छे से हल्दी और नमक लगाएंगे और मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट साइड में रख देंगे। कवर करके कोई भी पार्ट, कोई भी फिश ऐसे ना छूटे, थोड़ा सा लग जाए, थोड़ा सा नहीं लगे, अच्छे से मिलाएंगे और साइड में रख देंगे। देखिए मैंने सारे पीसेस में अच्छे से हल्दी और नमक लगा दिया है। अभी एक पैन बिठाएंगे, उसमें 2 चम्मच तेल ऐड किया मैंने। अभी सारे फिश के पीसेस अभी फ्राई करके भी निकाल दिया प्लेट में। अभी फिश के हेड को फ्राई करना है अच्छे से। के लिए फिश को मैरिनेट करके रखा था, फिर फिश को फ्राई किया। अभी हेड को अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मेरा हेड अच्छे से फ्राई हो गया। अभी चलिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप नारियल लिया है, 1 बड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ लिया है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है और थोड़ा सा जीरा भी लिया है। सारे को हम एक फाइन सा पेस्ट बना देंगे ग्राइंड करके। देखिए मेरा फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो गया। अभी एक पतीला लिया है, पतीले को गर्म करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। देखिए थोड़ा सा गर्म हो रहा है। अभी मैं उसमें 5 बड़ा सा चम्मच तेल डालूँगी। तेल को गर्म होने तक वेट करेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम उसमें प्रिपेयर किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया, अभी मैंने मसाला ऐड कर दिया। मसाले को चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे से ना लगे। मसाले को अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी मैं इसमें 1-2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फिर आपके स्वाद के अनुसार मिर्ची के पाउडर डालें। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। मैं 3 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है हम लोग को। अभी मैं उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अभी सारे मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और भूनते रहेंगे। देखिए मैं मसाला भुनने से पहले तड़का नहीं दिया है। आप चाहिए तो तड़का मैं लास्ट को दिखाऊंगी कैसे तड़का दिया। आप चाहिए तो वो पहले तड़का देके फिर मसाला भून सकते हो। मसाले को चलाते रहना है। देखिए थोड़ा थोड़ा मसाले से तेल अलग हो रहा है। अभी भी मसाला कच्चा ही है, हमको मसाले को अच्छे से भुनना है। मैंने तड़का पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले तड़का देने से उसका खुशबू इतना अच्छे से नहीं आता है। जैसे बाद में तड़का देने से उसका खुशबू और फिश करी का जो टेस्ट अलग ही होता है। इसलिए हम लोग, मेरे घर में मेरी मम्मी लास्ट में तड़का देती है तो मैं भी इसीलिए लास्ट में तड़का ही देती हूँ। देखिए मसाले से तेल छूट रहा है। अभी और थोड़ा सा तेल, अभी मसाले से ऑयल पूरा तरीके से तेल छूट गया है। अभी हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे आपके स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिलाएंगे। और थोड़ा, देखिए अभी पूरे तरीके से मसाला रेडी हो गया। अभी मैं इसमें मसाले का पानी था वो ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और आपको जैसे पसंद है ग्रेवी, पतला या गाढ़ा, अब उसके हिसाब से पानी डालिए। हमारे घर में थोड़ा सा पतला खाना पसंद करते हैं इसलिए मैंने 1 छोटा सा ग्लास पानी और डाला है। अभी मसाले को 1 उबाल आने तक पकने देंगे। मैंने मसाले को ढक दिया। देखिए मेरे मसाले के पानी में 1 उबाल आ गया। अभी मैं इसमें फिश के सारे पीसेस डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें सारे फिश के पीसेस ऐड कर दिया। पहले डालेंगे तो सारे फिश के पीसेस टूट जाने का डर है इसलिए पहले नहीं डालने का है।
एक उबाल आने के बाद फिर इसको डाल लेंगे। फिर थोड़ा सा और गर्म होएगा, जैसे और एक उबाल आएंगे तब तक इसे हम पकाएंगे, नहीं तो पहले से डालेंगे तो फिश पहले से फ्राई हुआ है, पका हुआ है, टूट जाने का डर है, इसलिए मैंने एक उबाल आने के बाद फिश डाला। अभी चलिए, जब तक फिश में करी में एक उबाल आता है तब तक हम तड़के के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक पैन बैठा दिया मैंने, अभी इसको गर्म होने देंगे। देखिए पैन गर्म हो गया, अभी इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रहा है। तेल को गर्म होने देंगे, उसमें 1 छोटा सा चम्मच सौंफ और 1 छोटा सा चम्मच सरसों डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़े देर रुकेंगे। जब तक सौंफ और सरसों का स्मेल अच्छे से खुशबू नहीं आता है, जब अच्छे से पक जाएगा तभी मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। अभी मेरा सरसों और सौंफ अच्छे से पक गया है, देखिए कलर भी उसका चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अभी मैं इसमें हरी मिर्च डाली 3, फिर मिर्ची को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसमें हम 10 या 12 करी पत्ता उसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। 10 या 12 करी पत्ता मैंने डाल दिया। अभी करी पत्ते को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया, फिर 1 छोटा सा प्याज काट के लिया है मैंने, अभी प्याज को डालेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन तक वो भुनना नहीं है, बस थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तब तक भुनना है। देखिए मेरा प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरा तड़का रेडी हो गया। अभी मैं फिश करी में डाल दिया, फिश करी में भी अच्छे सा उबल आ गया है। अभी गैस बंद कर दिया मैंने, थोड़ा सा धनिया पत्ता लेके अभी मैं फिश करी को गार्निश करूँगी। नाउ देखिए मेरा फिश करी रेडी हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ये कमेंट में बताइए, और ये रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, आपका अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।